सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। आज जो क्लास करने वाले हैं कंप्यूटर का है, जो हॉस्टल वार्डन से 50 अंक, टाटा आईटी ऑपरेटर के 25 से 30 अंक और सीजी व्यापम में 15 से 20 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग। आज जो है लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, डेली हम करने वाला है और आप सभी का जो इंतजार है खत्म हो चुका है। यहाँ पर कमेंट न कीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। तब तक मैं वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से स्टार्ट कर दीजिएगा, सभी लोग जुड़ जाइएगा, तभी हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज जो क्लास करेंगे टोटल 30 प्रश्नों पर करेंगे और डेली हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे कंप्यूटर। और आप सभी देख पा रहे होंगे जितने भी प्रश्न हैं ये सभी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। क्या होगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पर, ये आपका आंसर डी होगा, डीओएस पूछा गया है। क्या पूछा गया है? डीओएस, है ना। और जो भी आपको मैं फुल फॉर्म पूछूंगा उसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जितना भी आंसर बनेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आप सभी को जितने भी मालूम है ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, चलिए आप रेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एमएस विंडोज, क्रोम, विंडो एनटी, सोलरिस, तो इसमें क्या पूछा गया? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो इसका आ जाएगा क्रोम। क्रोम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन, ठीक है, क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जल्दी से एक बार जुड़ जाइए सभी लोग, मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूं एक बार फिर से। ठीक है, चलिए मैंने शेयर कर दिया है, आप लोग जल्दी से आ जाइएगा ग्रुप। ओके, चलिए इसके बाद है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स, विंडोज, मैक या माइक्रोसॉफ्ट, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या हो। लिनक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जी लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तब देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पर देखेंगे ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है, तो यहाँ पर आएगा उबंटू, लिनक्स, एंड्रॉइड, ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जी। क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या है आपका? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइएगा। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं जी। देखिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार से हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा, कभी भी एग्जाम में आएगा तो नहीं भूलोगे। उबंटू, लिनक्स, एंड्रॉयड। ठीक है, क्या होगा? उबंटू, लिनक्स और एंड्रॉइड। जबकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाए तो आपका मैक, मैक ओएस, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज है, मैक ओएस है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो हम कल क्लास लेकर आएंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी प्रश्न बनते हैं,
और इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, मल्टीमीडिया से एग्जाम में बनते हैं। तो मैं लास्ट टाइम आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करना है, कंप्यूटर से कैसे और कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए, निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में किसकी मेमोरी की स्टोरेज की कैपेसिटी अधिकतम होती है, जो स्टोरेज होती है उनकी कैपेसिटी क्षमता किसकी अधिक होती है। चलिए आप सभी कमेंट करके बताइएगा सीडी की भंडारण क्षमता कितनी है। एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं जी, सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क एचडी, यहाँ से एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न बनते हैं। तो सीडी का भंडारण क्षमता कितना है, जो लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पर लाइव क्लास में वो कमेंट करके बताइएगा सीडी का कितना है। सीडी का जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, मैं आप यहाँ पर मैं सभी का चेक कर रहा हूँ क्या आएगा सीडी का। इसके बाद आपका आ जाएगा डीवीडी, डीवीडी का उसके बाद है ब्लू रे डिस्क, उसके बाद एच डीवी, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। ये चारों ऑप्शन अच्छे से समझ जाइएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है जी, चलिए सीडी का कितना है 700, सीडी का कितना है 700 MB, जिसको मालूम नहीं है यहाँ से नोट कर लीजिएगा 700 MB सिंगल लेयर। ठीक है, सिंगल लेयर में। डीवीडी का कितना है जी कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर, डीवीडी का, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही कि नहीं एक बार कमेंट करके बताइएगा, डीवीडी का क्या आएगा। डीवीडी का सिंगल लेयर में होता है जी 4.7 GB, डीवी का कितना आएगा 4.7 GB अगर डबल में पूछा जाएगा, डबल में। ठीक है, तो डबल में आपका आ जाएगा 8.5 GB, बस इतना नोट कर लीजिएगा, यहाँ शिक्षा में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जिसको मालूम है कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए ब्लू रेडिस का कितना होता है, ब्लू रेडिस का 25 GB अगर डबल में पूछा जाए, तब की बात है आपका 50 GB। ठीक है, ठीक है जी, यहां तक क्लियर हुआ। अगर एच डी वी का पूछा जाए, एच डी वी का आपका 6 TB अगर डबल में पूछा जाएगा जी, है ना, डबल में कितना होगा जी। और इसमें क्या पूछा गया है, सबसे ज्यादा ब्लू रेडिस, ठीक है जी। यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए सभी लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं जी, मैंने क्या क्वेश्चन किया है आप लोग सॉल्व करके बताएं। निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में किसकी मेमोरी कैपेसिटी अधिकतम होती है, और डेली क्लास इसी टाइम में होगा 7:30 से 8:30 बजे तक। ठीक है, एक घंटे का वहां पर शॉर्ट रहेगा। ये जो क्वेश्चन है डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्वेश्चन है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सीडी का 700 MB, डीवीडी का 4.7 GB डबल में, सिंगल में 8.5, ब्लू रेडिस का 25 GB डबल में 50, HDB का 6 TB, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, रिमूवल मीडिया में आते हैं, रिमूवल तो कौन सा आएगा, हार्ड डिस्क, रिमूवल में कौन सा आ जाएगा, हार्ड डिस्क। देखिए CDR, CDR और क्या है, CDR, CD का आ जाएगा आपका 700, डिस्क आ जाएगा, DVD का आ जाएगा 4.7 GB। आप पूछा क्या है, रिमूवल में आते हैं, रिमूवल में। ठीक है, सीडी और डीवीडी किस प्रकार की स्टोरेज क्षमता है, तो स्टोरेज आपका आ जाएगा, सीडी और डीवीडी है आपका कौन सा है, स्टोरेज, सीडी और डीवीडी, सीडी, सीडी से हम क्या कर सकते हैं, डीवीडी से क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, सीडी और डीवीडी से इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होता क्या है, इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा आ जाएगी, तो इनपुट डिवाइस में आ जाएगा आपका स्कैनर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक,
आप टिकर रीडर OMR सीट जितना भी रीडर है आपका, लास्ट में जितने भी रीडर आएंगे ये सभी आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है जी। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है चलिए बताइएगा, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है? तो आउटपुट डिवाइस आपका आ जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, स्कैनर माउस, आउटपुट आपका जाएगा प्लाटर, और कौन कौन सा है जिसको मालूम है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस जितने भी ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल बताइएगा आउटपुट का। देखिए इनपुट में आपका स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, ये मन सब है, प्लाटर और क्या क्या है आउटपुट डिवाइस में, आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट करके इसका बताइएगा, चलिए मैं ही बता रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा प्लाटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लाटर प्रिंटर, ठीक है, और क्या है, एक मिनट ना, मॉनिटर, कितने भी प्लाटर ये आपके, हाँ, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस, अब यहाँ पर पूछ दिया और अभी आपको बताया क्या है, प्लाटर प्रिंटर मॉनिटर ये सभी आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पर क्या है, प्रिंटर स्कैनर मॉनिटर और प्रोजेक्टर, पूछा क्या गया है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, ये क्या है आपका, इनपुट डिवाइस, ठीक है जी, इनपुट डिवाइस, यहां तक क्लियर हुआ। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है, सीपीयू, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है इसका क्या आ जाएगा, अर्थ ALU, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, FTP, इसका क्या होता है कमेंट करके बताइएगा, FTP ALU इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या होगा, मैं कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, चलिए एक का आगे आंसर, और FTP का क्या होगा, अच्छा चलिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका बताइएगा HTML का फुल फॉर्म क्या होगा, HTML का फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट करके बताइए, जिसको मालूम है ना फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, एक एक लोग का आ रहा है बाकी लोग का नहीं आ रहा है। सीपीयू का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, FTQ का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका क्या आ जाएगा जी, VDU का विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, क्या होगा जी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं जी, अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए आपको स्पेलिंग चेक करने हैं तो स्पेलिंग, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, F7, स्लाइड शो के लिए स्लाइड, स्लो के लिए कौन सा आ जाता है जी, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, F5, सेव बटन के लिए, सेव बटन के लिए डायलॉग्स बॉक्स के लिए आपका आ जाएगा जी F12, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं जी, इतना इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए स्पेलिंग चेक करने के लिए F7, स्लाइड शो के लिए F5, सेव बटन के लिए F12, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा F2 किसके लिए किया जाता है, F2 किसके लिए उपयोग किया जाता है, और F1 किसके लिए किया जाता है, F1 और F2 किसके लिए किया जाता है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर जितने भी जुड़े हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो जो टॉपिक बनते हैं और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी आपको बता रहा हूँ। ALU का मैं आपको बताया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, स्पेलिंग F2 और F1 फाइल के लिए, फोल्डर के लिए, किसका आएगा आंसर,
हाँ फोल्डर के लिए, वेरी गुड। F1 ओपन सेव के लिए आ जाता है। हाँ तो चलिए इसका जल्दी से बताइएगा, बाकी लोग जितने भी जुट चुके हैं ना क्लासेस में आप लोग ये बताइएगा। ठीक है, F2 और F1 किसके लिए काम आता है, एग्जाम में पूछता है जी। F4 बताइएगा, F4 ये इतना बस पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है जी, F1 F2 F4 चलिए बताइएगा क्या होगा। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। स्पेलिंग चेक करने के लिए F7, फ्लाइट शो के लिए F5, सेव बटन के लिए F12। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और मैं टाइमिंग बता दूँ, सभी लोग जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7:30 बजे क्लास लगती है जी, डेली क्लास लगेगा आपका 7:30 बजे रात को, 7:30 से 8:30 के बीच में। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर जो सभी लोग कमेंट कीजिएगा स्पेलिंग चेक करने के लिए F7, ये जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं आपके हॉस्टल वार्डन में, डाटा एंट्री ऑपरेटर में। ठीक है चलिए, और जो वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं वही अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। ऐसा लगता है कई लोग होते हैं कि इस मतलब वीडियो को तुरंत देखते हैं फिर बाहर चले जाते हैं, तो वो वीडियो मत देखना, स्किप करके चला जाना, मैं डायरेक्ट उसको बोलूंगा मैं। ठीक है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं ना वो लास्ट तक देखना, इस एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, और जिनको तैयारी नहीं करना है तो स्किप करके चले जाइएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ स्किप करके चले जाइएगा, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत, आप लोग कमेंट करके बताओ। हाँ वेरी गुड, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ जिसको तैयारी करना रहता है ना वो वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं, जितने भी लाइव क्लास चलती है ना वो अंत तक देखते हैं, और जो स्टार्टिंग में आते हैं थोड़ा देर देखते हैं थोड़ा देर के बाद बाहर चले जाते हैं ना वो तैयारी नहीं कर पाते, वो लोग तैयारी करने वाले स्टूडेंट ही नहीं होते, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। मैं वही बोलूंगा ना, जिसको नहीं देखना है वीडियो ना स्किप करके चले जाइए। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो एक बार वीडियो को कमेंट कर देना और शेयर कर देना। ठीक है चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर का ALU का यूनिट होता है। ALU अभी मैं आपको बताया, ये देखिए यहाँ पर एग्जाम में पूछता है ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो किसके लिए काम आता है, जोड़ घटाव के लिए, अंक गणित के लिए, तार्किक ऑपरेशन के लिए। तो इसका आंसर कौन सा होगा जी, ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों ही होगा जी, उपरोक्त तो सभी, क्योंकि जो ALU होता है, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और देखिए मेरा फेस अभी क्लियर आ रहा है कि नहीं एक बार कमेंट करके बताइएगा, अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो अपना क्वालिटी यानी कि अपना जो HD पावर है आपको क्वालिटी है उसको आप 360 कर सकते हैं जी, या फिर 480 का मेगा पिक्सल कर सकते हैं, दोनों में से एक यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, अगर क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको क्लियर दिखाई देगा मेरा फेस। अगर अच्छे से जूम करके देखना चाहते हो, अच्छे से अगर जूम करके देखना चाहते हो तो 1080 मेगापिक्सल कर लीजिएगा, लेकिन तुरंत नेट खत्म हो जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है जी, अगर मेरा फेस अच्छे से क्लियर करके देखना चाहते हो 1080 का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, एकदम जूम करके देख लीजिएगा मुझे। ठीक है, जूम करके देख लीजिएगा। चलिए, कंप्यूटर शुरू करते समय वायरस एग्जीक्यूट होता है, तो कंप्यूटर जैसे ही हम शुरू करेंगे तो वायरस कैसा हो गया, एग्जीक्यूट होगा, तुरंत आएगा। कंप्यूटर को शुरू करते हैं ना, कंप्यूटर शुरू करते समय वायरस जो होता है ना एग्जीक्यूट होता है। ठीक है वेरी गुड, हाँ सही बात है भाई, चलिए मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर है ना, बिल्कुल जी। बिल्कुल जी, जो लोग तो तैयारी कर रहे हैं ना इस, बिल्कुल जी, फूड सेक्टर वायरस। कंप्यूटर में LCD मॉनिटर का कारण होता है, जो LCD होता है, LCD, तो LCD का फुल फॉर्म क्या होता है जी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, LCD का फुल फॉर्म क्या होता है। और जो तैयारी कर रहे हैं वीडियो को लास्ट तक देखना, जो तैयारी नहीं करना चाहते ना वीडियो को स्किप करके चले जाना। ठीक है जी, बिल्कुल, लाइक और दिल वाला बटन जल्दी चपक दीजिएगा, चपक दो।
तभी तो मजा आएगा। और हमारी मेहनत देखिए, हम आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं, है ना, वीडियो लेकर आते हैं, और आप सब वीडियो को लाइक नहीं करोगे, वीडियो को शेयर नहीं करोगे, कैसे बनेंगे। देखिए मैं अभी 2-3 दिन क्लास लूंगा, अगर वीडियो में आप सभी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा आता है तो मैं डेली क्लास लूंगा, अगर आप सभी का परफॉर्मेंस नहीं आता है तो मैं वीडियो लाइव क्लास नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं आप सभी को बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो वीडियो में आप सभी लोगों का परफॉर्मेंस, आप सभी का कमेंट अच्छा खासा आता है, लाइक अच्छा खासा आता है, तो मैं लाइव क्लास लूंगा, अन्यथा मैं ऐसे रिकॉर्डेड क्लास लेकर आऊंगा जी। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, या फिर वीडियो को डेली शेयर कर दीजिएगा। ओके ठीक, है ना, जल्दी से आ जाइएगा सभी लोग। जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा। ठीक मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, जिसका आंसर आ रहा है देखते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं, कंप्यूटर में सीरीज प्लान, एग्जीक्यूटेबल और बूट सेक्टर दोनों प्रभावित करता है, क्या पूछा गया है यहाँ पर देखेंगे। बूट सेक्टर और एग्जीक्यूटेबल दोनों क्या कर रहा है, दोनों क्या करेगा, प्रभावित करेगा, दोनों क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, उसको मल्टीपर्पटाइटिस वायरस कहते हैं। देखिए जी, एक मशीन से दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से कौन सा टीसीपी बाई आईपी प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी बाई आईसीपी, टीसीपी बाई आईपी प्रोटोकॉल, है ना, ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल जी। ठीक है, इसका क्या जाएगा, एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका आंसर आ जाएगा एसएमटीपी, एसएमटीपी। ठीक है, एसएमटीपी। ठीक है, तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है जी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या आ जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है जी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्न में से टोपोलॉजी के सबसे ज्यादा भरोसा किसमें होता है, तो टोपोलॉजी आपको याद रखना। ठीक है, टोपोलॉजी होता क्या है, तो टोपोलॉजी जो है 4-5 प्रकार के होते हैं, जो आपका आ जाएगा यहाँ पर नोट करेंगे तो सबसे ज्यादा आपका आ जाएगा मेस। ठीक है जी, मेस जब एग्जाम में अच्छे से बनेगा, क्या पूछा गया, टोपोलॉजी के सबसे ज्यादा भरोसा पूछा गया है, तो टोपोलॉजी में सबसे ज्यादा भरोसा किस में करते हैं, मेस में। ठीक है, तो वैसे रिंग, मेस, स्टार, बस ये सभी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा किस में कर पाते हैं, तो मेस में। इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को पहचाने जाने के लिए उपयोगी यूनिक फॉर पार्ट स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है जी, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। ठीक है जी, वेब सर्च इंजन के द्वारा बहुत से वेब पेज को सूचना एकत्रित करते हैं, उसको वेब क्राउलर कहते हैं, पहले वेब ऑर्गेनाइजेशन दिया था। देखिए यहाँ पर, वेब सर्च इंजन के द्वारा बहुत से पेज को सूचना एकत्रित करते हैं, उसको वेब क्राउलर कहते हैं। वेब सर्च इंजन के द्वारा, यहाँ पर कमेंट ना करना, वेब सर्च इंजन के द्वारा बहुत से वेब पेज की सूचनाएं एकत्रित करते हैं, उसको वेब क्राउलर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेब क्राउलर। देखिए व्यापम यहाँ पर दोनों में से एक लिया है, इसका मैं भी कंफ्यूज हूँ, आप लोग क्या राय कमेंट करके बताइएगा, क्या ले सकते हैं। कई कई आंसर में इसको ले रहे हैं, तो कई में इसको वेब क्राउलर को ले रहे हैं, तो किसको लेगी। देखिए, वेब सर्च इंजन के द्वारा बहुत से वेब पेज की सूचना एकत्रित करते हैं, पेज बोल रहा है, तो वेब क्राउलर होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये डाउट है मुझे।
ठीक है, आप लोग जिसको मालूम है तो कमेंट करके बता सकते हैं क्या है। याहू, इंफोसिस और लिकोस क्या है? सर्च इंजन है भाई। कई लोग देखिए इसको ब्राउजर ले रहे हैं, ब्राउजर नहीं है। याहू, इंफोसिस और लिकोस एक सर्च इंजन, ठीक है ना जी। याहू, गूगल, एमएसएन, देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, याहू, गूगल, एमएसएन, लिकोस, ये सभी क्या है? सर्च इंजन है जी। क्या है? सर्च इंजन। अब ब्राउजर ले रहे हैं तो ब्राउजर तो होगा नहीं, इसमें वेब क्रॉलर है। वेब सर्च इंजन के द्वारा बहुत से वेब पेज की सूचना एकत्रित करते हैं, उसको वेब क्रॉलर कहते हैं। इसका आंसर बी होगा जी, ठीक है, इसका आंसर बी होगा और इसका आंसर ए होगा, ठीक है। जो गूगल, याहू, एमएसएन होते हैं ना, ये सभी आपका सर्च इंजन होंगे जी। और वेब क्रॉलर आपका आ जाएगा, वेब सर्च इंजन के द्वारा बहुत से वेब पेज की सूचनाएं एकत्रित करते हैं, उनको वेब क्रॉलर कहते हैं, ठीक है। वेब सर्च इंजन के द्वारा बहुत से वेब पेज की सूचना एकत्रित करते हैं, उसको वेब क्रॉलर, और इसका आ जाएगा सर्च इंजन। डेट टाइप और सिस्टम याद रखना सीधा, CMOS, CMOS, ठीक है जी। कर्सर को टेक्स्ट की पंक्ति एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अब यहां पर देखिएगा, ये जो मैं कर्सर है, ये वाला मैं अभी पेन चला रहा हूँ, ये कर्सर को टेक्स्ट, अब मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ मतलब लिख रहा हूँ, और पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए, ये पंक्ति है ना, इस पंक्ति को शुरुआत में ले जाने के लिए, देखिए ये शुरुआत में मैं ले जाऊंगा, इसको कौन सा की का प्रयोग करूंगा? तो ये आपका होम का, ठीक है जी, होम का मैं प्रयोग करूंगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कंट्रोल प्लस बी का उपयोग कर्सर पर क्लिपबोर्ड के कनेक्ट करने के लिए पेस्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस बी, ये आपका आ जाएगा कंट्रोल प्लस बी पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी कट करने के लिए, अंडू, एक्स अंडू करने के लिए, और वाई, ये सभी इस तरह के एग्जाम में बनते हैं जी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट जैसे सुविधाएं पा सकते हैं फॉर्मेट मेन्यू में। कंप्यूटर को उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? उपरोक्त में जी, दूर संचार, बैंकिंग, चिकित्सा, सभी के लिए कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, एक ऐसा कंप्यूटर का भाग नहीं है, तो सीपीयू क्या है? भाग है। सीपीयू को मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है जी। ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU, देखिए लास्ट हम क्या आएगा, यू यू यू, इसमें क्या है, UPS, है ना। तो देखिए, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का भाग है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। ये ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा जी, ठीक है। अब इनमें कौन सा कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है? डेटा का संग्रहण करेगा, भंडारण करता है, प्रोसेसन करता है, लेकिन विश्लेषण नहीं करता जी। निम्नलिखित में कौन सा एक नॉन इम्पैक्टर प्रिंटर है? तो देखिए, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं इम्पैक्टर प्रिंटर और नॉन इम्पैक्टर प्रिंटर, ठीक है। तो डेजी व्हील प्रिंटर कैसा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्टर प्रिंटर है। तो यहाँ पर नोट करते चलेंगे जी, एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न बनते हैं प्रिंटर से, है ना, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्टर प्रिंटर जी। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन आ जाएगा? डॉट, डेजी, लाइन बोर्ड, ड्रम प्रिंटर, ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से आप नोट करेंगे जी। चलिए, तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है जी? इम्पैक्ट प्रिंटर देखिएगा, इसमें क्या क्या आता है, डॉट, डेजी, लाइन, ड्रम, चैन, ये सभी क्या है जी, इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर को पेज प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर देखिएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है पूछा गया, डेजी व्हील प्रिंटर होगा, क्योंकि देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है, ठीक है। डॉट डेजी, लाइन 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 प्रिंटर को, पेज
पेज प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है, पेज प्रिंटर, ठीक है, ये सभी आपका इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में पूछा जाएगा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में इसमें आ जाएगा आपका लेजर, ठीक है, थर्मल, लेजर, थर्मल, इंकजेट, ये सभी आपका तीनों क्या है, आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं लाइन प्रिंटर में, और लाइन प्रिंटर को ही क्या कहा जाता है, पेज प्रिंटर कहा जाता है, पेज प्रिंटर कहा जाता है, याद रखना इतना सारा, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर का जो वर्गीकरण करते हैं तो लाइन प्रिंटर कहते हैं, इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण को लाइन प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर को पेज प्रिंटर कहा जाता है। तो कल हम देखेंगे प्रिंटर से क्वेश्चन, है ना, तो प्रिंटर से कल हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में संभवतः पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग हॉस्टल वार्डन डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल क्लास आ जाइएगा समय में, 7:30 से 8:30 की क्लास लगती है, तो आज कुछ जल्दी कर रहे हैं, कुछ हम लोगों को सेकंड क्लास भी लेना है, ठीक है। तो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स से आपको प्लाटर आएगा जी। लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर कहा जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स को इंपैक्ट प्रिंटर कहा जाता है, ये आपका इंकजेट प्रिंटर को लाइन प्रिंटर कहा जाता है। आप देखिएगा यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण किस में करते हैं, लाइन प्रिंटर में, तो इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण किस में करेंगे, लाइन प्रिंटर में, और लाइन प्रिंटर को पेज प्रिंटर कहा जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर, और लेजर प्रिंटर एक पेज प्रिंटर होता है जी, ठीक है। ईमेल, इमेज और फाइल क्या आपका आ जाएगा, पीएनजी, IMG, ये सभी क्या है, इमेज है। जबकि इसे अगर पूछा जाएगा वीडियो का, एमएस एक्सेल, ये आपका जाएगा MP4, MPG, MP3 आपका आ जाएगा ऑडियो। अगर वीडियो के लिए पूछा जाएगा ये वाला मूवी का, MP4, MP4, ठीक है जी। अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो कल आ जाएगा वीडियो फ्रेम, फ्रेम ये आपका फ्रेम आ जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के, MPG, है ना, तो सभी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है जी। चलिए, तो मैथ्स कंप्यूटर का 30 क्वेश्चन हमने किया, इधर मैथ्स का क्लास आ जाएगा जी, है ना। तो आप लोग जितने भी तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल वार्डन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रयोगशाला परिचालक, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, जितने भी आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजी व्यापम, CGPSC का, है ना, तो शाम 7:30 बजे क्लास लगती है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, टाइमिंग है डेली क्लास। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है, पार्ट 2 वीडियो आपका कर रहेगा, आपको कौन से क्लासेस रहेगा, आप 7:30 से 8:30 के बीच में रहेगा, ठीक है जी। कल आप लोग सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपको टाइमिंग बता दिया मैंने, और जो पार्ट 2 वीडियो है आपका, इसमें आपका रहेगा प्रिंटर से, ठीक है जी, प्रिंटर से MCQ रहेगा। आज के लिए इतना ही, बाय। बाय बाय।